अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ किचन स्केल का रिव्यू दे रही हूँ और ये किस तरह से यूज़ होता है और इसके क्या क्या फीचर्स हैं, अच्छे या बुरे दोनों ही फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया है, इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है सारी इसकी क्वालिटीज़। और ये है इसके बॉक्स का लुक जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कुछ इस तरह से है, बैक साइड से इस तरह से है। तो ये हो गया है, ये है इसका स्केल जो कि इस तरह से है फ्रंट से और बैक साइड से इस तरह से है। और ये इसकी बैटरीज दी हुई हैं, यहाँ पर इसकी बैटरीज लगी हुई हैं। और ये भी इंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने दिया हुआ है और साथ ही ये हैंगिंग के लिए दिया हुआ है कि हम इसे हैंग भी कर सकते हैं। तो ये हो गई बैक साइड और ये हो गई फ्रंट साइड। तो और साथ ही इन्होंने इंस्ट्रक्शन पेपर दिया हुआ है, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है कि किस तरह से यूज करना है और क्या क्या फीचर्स हैं और क्लीनिंग किस तरह से करनी है, तो वो मैं आपके साथ सब सारी बातें शेयर करूंगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से यूज करते हैं और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। और इसके 3 फीचर्स दिए हुए हैं, ऑन एंड ऑफ मोड और टियर। तो ऑन करते हैं, ये ऑन हो गया है। अब देखें इस S0 के साथ इन्होंने एक एयर का निशान शो हो रहा है, वो ग्राम का शो हो रहा है, जी लिखा हुआ है ये ग्राम है और 0 जेड है वो ये ऑन्स है। तो मोड हमें जिस तरफ सेट करना होगा, ग्राम पे सेट करना होगा हम ग्राम की तरफ तो ऑटोमेटिक ही शो हो रहा है, ऑन्स की तरफ करना होगा तो हम मोड दबा देंगे तो ये ऑन्स की तरफ आ गया। और टियर क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो पहले सबसे पहले हम इसको दोबारा से ग्राम की तरफ कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर ग्राम्स में ही बात की जाती है, यूज़ किया जाता है। ये हमने चावल लिए हैं और इनका वज़न कर रहे हैं, तो चावलों का वज़न आ रहा है 347। ये बॉल के साथ इसका वज़न आ रहा है 347। लेकिन जब हमने वज़न करना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले बॉल का वज़न करेंगे और इसको 0 कर देंगे और फिर चावलों का वज़न करेंगे। तो उसको 0 करने के लिए हमें, जैसे ये वज़न है इसका 347 चावलों के साथ। अब हमें एक और खाली बॉल लिया है और इसका वज़न जो है 182 आ रहा है, तो 182 को हम टियर करेंगे, इसका वज़न अब 0 हो गया है। अब देखें मैं इसमें फिंगर रखती हूँ तो फिंगर का वेट शो होना शुरू हो गया और जैसे ही फिंगर हटाऊंगी तो ये 0 हो गया। अब लेते हैं हम चावलों का वज़न, तो चावलों का वज़न 149 ग्राम है। तो ये है टियर का मतलब, टियर का मतलब ये है कि पहले कोई भी चीज़ रखेंगे तो उसका वज़न करेंगे, उसके वज़न को फिर हमने 0 कर देना है, जैसे कि अब हम इसको 0 कर देंगे और ये अब 0 इसका वज़न है। इसमें कुछ भी रखेंगे तो वो उसका वज़न आएगा, जैसे कि अब हम ये इसके अंदर ये रख देते हैं, 125 ग्राम वज़न शो हो रहा है, इस गुलदान का 125 ग्राम है, ठीक है। तो ये था टियर और ये था मोड और ये था ऑफ एंड ऑन। और डिजिटल डिस्प्ले दिया हुआ है, 0.6 की LCD है इसकी। और इसकी क्लीनिंग कैसे करनी है, हमने कुछ अगर इस पर कुछ भी गिर जाता है तो लिक्विड चीज़, इसको आपने गीले कपड़े से साफ़ नहीं करना, पेपर कॉटन से या टिश्यू पेपर से साफ़ करना है। इसकी एक ही बैड क्वालिटी ये है कि इसको पानी से बचाना है, वैसे ये बहुत ही अच्छा है और आम रूटीन में भी बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैं रेसिपीज़ बनाती रहती हूँ, अपलोड करती रहती हूँ, तो हर चीज़ की मेजरमेंट करती हूँ और इसी के ज़रिए कर रही हूँ। और साथ ही ये कौन कौन लोग यूज़ कर सकते हैं, जो लोग बेकिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेकिंग में तो हर चीज़ की मेजरमेंट की जाती है, और जो लोग वेट लूज कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किचन यूज़ के अलावा भी यूज़ किया जा सकता है और ये बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है अगर आप लोग एहतियात से यूज़ करें तो। मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और जहाँ तक इसकी प्राइस की बात है तो मैंने जद्दा सिटी से लूलू प्लाजा मॉल से ख़रीदा है इसको, 15 रियाल की इसकी प्राइस थी, आपको मिलती रहें। और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अपना और सबका ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।